बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों, अगर आप डॉक्टरों और हकीमों के ख़र्चों से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखना, आपके जिंसी मसाइल और अज़्वाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम यहाँ पर बहुत सारी टिप्स लेके आते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपकी परेशानियां कम होती रहें। दोस्तों, आज बहुत ही कमाल का और ऐसी ताकत देने वाला नुस्खा पेश करने जा रहे हैं जो कि इंसान के अंदर कभी ख़त्म ही नहीं होता। अगर कोई मर्द 7 से 8 दिन इस टोटके का इस्तेमाल करता है तो आपको बताने जा रहे हैं, ये ऐसा टोटका है जिसको एक हकीम साहब ने ख़ुद इस्तेमाल किया और फिर उसको अवामुन नास को दिया और इसको इतनी कह लें कि पसीराई मिली कि इससे हज़ारों और लाखों लोग जो हैं वो मुस्तफीद हुए हैं। आज भी दोस्तों उनकी किताब में ये नुस्खा मौजूद है। दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, शहद के साथ एक छोटी सी चीज़ है, जड़ी बूटी है, जो आपने इस्तेमाल करनी है। वो आपको बहुत ही सस्ते दामों में किसी भी पंसारी से बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगी। वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों से छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन पर क्लिक कर दें और हाँ, वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना कि आपने शहद लेना है। शहद की कोई भी आपने छोटी सी बोतल, किसी भी अच्छी कंपनी का असल शहद लीजिए, छोटी बड़ी बोतल का कोई मसला नहीं। उसके बाद जो दोस्तों आपने चीज़ पंसारी से लेनी है वो है सालब मिसरी। सालब मिसरी आपने 6 माशा की मकदार में ले घर लाकर उसको आपने पहले साफ़ करना है। उसके बाद उसको अच्छी तरह से कूट लेना है हवन दस्ते में। इसकी 6 माशा की मकदार में शहद के अंदर आपने इसको मिलाकर इस्तेमाल करना है। इसको मजून सी बना लें, शहद के अंदर मिक्स करेंगे तो एक मजून सी बन जाएगी। इसकी चम्मच का 1/4 हिस्सा आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह और शाम को। सुबह को नाश्ता करने के बाद या खाना खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को खाना खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप इसको इस्तेमाल करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप दोस्त इसकी मकदार को बढ़ाते जाएं। यकीन जाने कि ऐसी ताकत और कुव्वत देगा, सिर्फ 6 से 7 दिन का इस्तेमाल है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसके इस्तेमाल से मादा जो है आपका वो बहुत ज़्यादा बदलना शुरू हो जाता है। मर्द के अंदर खुद ब खुद शहवत पैदा हो जाती है और साथ ही साथ अज़ू में जो है वो लंबाई आना भी शुरू हो जाती है। जब मादा ज़्यादा मकदार में पैदा होगा तो उसके अंदर गाढ़ापन आएगा और इससे दोस्तों टाइमिंग में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। यकीन जाने के आप ओमेगा गोली भूल जाएंगे। आज ऐसी आपको मैंने ज़बरदस्त चीज़ बता दी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह के वीडियोस आपकी रहनुमाई के लिए मिलते रहें। इजाज़त दें, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।